सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। ये जो बोर्ड आपको आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा सोनी होम थिएटर, सोनी ओरिजिनल होम थिएटर का एक ऑडियो बोर्ड है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का पूरा A to Z कनेक्शन करके बताऊंगा और सभी पिन आउट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस होम थिएटर का मॉडल नंबर है SA D40 और मैं आज आप लोगों को ये जो बोर्ड है इसका बारीकी से इसका कनेक्शन समझाऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो हमारा बोर्ड दिख रहा है आपको, हमारा TPA 3118 के एक IC लगा हुआ है जो कि हमारा सबवूफर के लिए है। और दूसरा जो IC है दोस्तों, ये हमारा 3110D2 IC है जो कि हमारा सैटेलाइट स्पीकर के लिए है। और इधर आपको कुछ पिन देखने को मिल जाता है जबकि हमारा 4 सैटेलाइट स्पीकर जोड़ने के लिए दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में आप सबवूफर जो होता है उसको आप 40 से लेकर 50 वाट तक यूज कर सकते हैं। 18 वोल्ट से लेकर 19 वोल्ट तक इसमें पावर सप्लाई देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चल पाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी गलती आपको हो जाते है तो ये हमारा बोर्ड खराब हो सकते है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और इसके कनेक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये तो मैंने बता दिया, ये हमारा मेन ऑडियो बोर्ड है और ये हमारा एक प्रीएम्प बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इधर स्विच वगैरह लगा हुआ है, ये देखिए, और इधर USB लगा हुआ है। दोस्तों, इस बोर्ड से ही, ये ब्लूटूथ पर भी चलता है, इस बोर्ड से ही ऑडियो क्रिएट होता है और इस बोर्ड में जाता है। और इधर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा, ये हमारा स्विच बोर्ड है। इधर 2 स्विच पावर और फंक्शन के लिए, जो लोग सोनी कंपनी का होम थिएटर यूज करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि इस स्विच का क्या काम है और ये वाला स्विच का क्या काम है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, टोटली आपको कनेक्शन बताऊंगा कैसे करना है आपको। मैं क्या करूंगा, बैंड का जो वायर होता है उस स्टेप से बारीक तार से मैं इसका कनेक्शन करूंगा। आप भी ले लीजिए इस तरह का पास बैंड का तार, तो आपको इसका कनेक्शन करने में आसानी होगा। आपको बता देती हूँ, इधर देख सकते हैं कई सारे पिन है, ये देखिए, ये हमारा कनेक्टर है और इस बोर्ड का ये वाला कनेक्टर है, इन दोनों का हमारा कनेक्शन होता है। और ये देखिए, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में आपको कुछ इस टाइप से इधर देखने को मिल जाएगा, ये हमारा सब वूफर के लिए पिन आउट है, कनेक्टर है, और इधर आपको एक एंटीना के लिए पिन मिल जाएगा। और इस बोर्ड में भी आपको देखिए, ये जो पिन आपको दिख रहा है कनेक्टर, इस कनेक्टर से इस बोर्ड पर कनेक्शन जाता है और ये वाला जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से इस बोर्ड में कनेक्शन जाता है। और ये वाला मिडिल में आपको और एक कनेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये हमारा एंटीना के लिए है। तो इस बोर्ड से एंटीना का कनेक्शन कुछ स्टेप से इधर आ जाता है। तो अभी दोस्तों एंटीना का कोई काम नहीं है, तो मैं उसको बाद में उसको सोल के ही मैं कनेक्शन करूंगा। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ इस, ये जो पिन है दोस्तों, इस पिन में कितने वायर्स लगने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इधर टोटल आपको 19 पिन मिल जाएगा। ये सारे पिन का क्या क्या काम है, कौन सा पिन का, कुछ इधर आपको प्रिंटेड हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आपको आप इधर नोटिस करेंगे तो इधर आपको 1 लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देखिए, और नीचे आपको 2 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा 1 नंबर पिन और नीचे का 2 नंबर पिन, तो 1 2, और फिर से ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कुछ इस टाइप से आते आते ये हमारा 18 नंबर और ये 19 नंबर पिन हो जाएगा। और उसके बाद कोई पिन नहीं है। अगर आप इस लाइन पर देखोगे तो हमारा 10 पिन है और इस लाइन पर देखोगे तो हमारा 9 पिन है। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप से हमारा कनेक्शन होता है। और इस बोर्ड में अगर आप देखोगे तो इस बोर्ड में भी कुछ उस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। इस लाइन पर भी आपको 10 पिन दिख जाएगा और इस लाइन पर भी आपको 9 पिन देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों, दिक्कत ये हो रहा है कि कुछ बोर्ड को अगर आप कुछ इस टाइप से पकड़ोगे, यहाँ का जो आपको नीचे 1 नंबर पिन दिखाई दे रहा है और इधर भी, इधर आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, इधर 19 नंबर पिन देखने को मिलेगा, इधर 1 नंबर तो यहाँ का 19 नंबर। तो दोस्तों, सीधा आपको बता देती हूँ, इस बोर्ड का 1 नंबर पिन और इस बोर्ड का 19 नंबर पिन के साथ कनेक्शन होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इधर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए,
इस बोर्ड में हमारा लिखा हुआ है एक नंबर पिन 18 वोल्ट के लिए, और इधर इस बोर्ड में लिखा हुआ है एक नंबर पिन बीटी म्यूट के लिए। तो 18 वोल्ट इस बोर्ड का 18 वोल्ट का पिन हमें 19 नंबर पिन में देखने को मिलता है। देखिए 19.5 भी लिखा हुआ है और इधर 18 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब ये पावर सप्लाई मेन पावर सप्लाई के लिए है। तो मैं अगर आप बोर्ड को कुछ इस टाइप से पकड़ोगे तो ये एक नंबर पिन हमारा जाएगा इस 19 नंबर पे, और ये दो नंबर पिन हमारा जाएगा 18 नंबर पिन में, और तीन नंबर पिन जाएगा हमारा 17 नंबर। कुछ इस टाइप से धीरे धीरे होते होते हमारा इस बोर्ड का जो 19 नंबर पिन है इस बोर्ड का एक नंबर पिन पर जाएगा, इस बोर्ड का 18 नंबर पिन हमारा इस बोर्ड में दो नंबर पिन में जाएगा। कुछ इस टाइप से कनेक्शन होगा। तो मैंने आपको बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ आपको बारीकी से समझाने की, और मैं उस तार से कनेक्शन करूंगा और आपके सामने ही कनेक्शन करूंगा, फिर आपको बताता हूँ। और दोस्तों अगर आप इस बोर्ड में कनेक्शन करने जाते हो तो भी आपको समझा देती हूँ कैसे होगा। देखिए ये जो हमारा बोर्ड दिख रहा है आपको, ये हमारा एक नंबर पिन, इधर देखिए ये सारा कई सारे पिन, 1 2 3 4 5 पिन इधर देखने को मिल जाएगा, और इधर आपको 4 पिन देखने को मिल जाएगा। टोटल 9 पिन देखने को मिलता है इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में भी आपको 9 पिन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इधर 5 पिन मिल जाएगा और इधर आपको 4 पिन देखने को मिल जाएगा, जबकि टोटल मिलाकर 9 पिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस बोर्ड में आप देख लीजिए, ये हमारा एक नंबर पिन D3, मतलब इसमें 3.3 वोल्ट, मतलब ये हमारा ये इस मॉड्यूल को चलाने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत होता है। तो ये एक नंबर पिन हमारा 3.3 वोल्ट के लिए दे गए हैं, और जबकि इस बोर्ड में अगर आप ख्याल करोगे तो ये देखिए इधर से एरो करके इधर लिखा हुआ है, ये देखिए 9 नंबर पिन जो है हमारा, ये हमारा 3.3 वोल्ट के लिए। तो इस बोर्ड का जो 9 नंबर पिन है इस बोर्ड का एक नंबर पिन के साथ कनेक्शन होगा, इस बोर्ड का 8 नंबर पिन के साथ इस बोर्ड का 2 नंबर पिन के साथ कनेक्शन होगा, और इस बोर्ड के 7 नंबर पिन के साथ हमारा इस बोर्ड के 3 नंबर पिन के साथ कनेक्शन होगा। तो कुछ उस टाइप से ही कनेक्शन कर लूंगा मैं और फिर आपको दिखाऊंगा। और एक चीज दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है या तार वगैरह वो मेरे पास है सही सलामत। ये देखिए ये इस तार में से मैं कनेक्शन करूंगा, इस तार में ये जो तार है ये सही सलामत है। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक ठाक से समझाने की, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सलूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कुछ उस टाइप से मैं इसको तार से सोल्डरिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था ठीक उस तरह से ही मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरे पास ये वाला तार है तो इस तार का मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए इस तार का इस्तेमाल करूंगा। तो तार का इस्तेमाल करने के लिए कुछ इस टाइप से बोर्ड को पकड़ेंगे और इधर तार को बिठा देंगे। ये देखिए ये बैठ चुका है, और इस बोर्ड में भी हम कुछ उस टाइप से कनेक्शन कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा तार है, देखिए इसको फिट कर लिया है मैंने। अभी बारी है दोस्तों इसका म्यूजिक टेस्ट करने की, और मैंने आपको बताया था ये जो बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड हमारा 19 वोल्ट का पावर एडाप्टर से या फिर 19 वोल्ट से चलता है, डीसी 19 वोल्ट अगर आप इसको पावर दोगे तो ये हमारा बोर्ड रन हो जाएगा। तो मैं अभी डीसी 19 वोल्ट लूंगा, उससे पहले आपको एक सबवूफर दिखा देती हूँ जिस सबवूफर से मैंने इस बोर्ड को चलाऊंगा मैं अभी, और एक सैटेलाइट स्पीकर भी लगाऊंगा, कुछ इस टाइप का सैटेलाइट स्पीकर होगा, और सबवूफर को भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा 40 वॉट का एक सबवूफर है और इसका हेवी पंचिंग है, पर दोस्तों इसका मैग्नेट थोड़ा छोटा है मेरे ख्याल से। तो ये भी हमारा सोनी कंपनी का ओरिजिनल सबवूफर है, तो इसको मैं कंपेयर लूंगा। तो सबवूफर के कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कनेक्शन होता है, तो मैं पिन को सीधा यहाँ पर बिठा दूंगा। ये देखिए बिठा दिया। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट स्पीकर है इसको चलाने के लिए कोई कनेक्टर वगैरह नहीं है, तो मैं इधर सीधा सोल्डरिंग कर लूंगा, किसी एक पिन पर सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों तार को कुछ स्टेप से इन दोनों पिन पर मैं कनेक्शन कर लिया है, ये देखिए।
तो ये हमारा एक सैटेलाइट स्पीकर और ये हमारा सबवूफर है। तो ये देखिए, ये हमारा एडाप्टर है 18 वोल्ट के और ये हमारा पिन। तो पिन को मैं सीधा यहाँ पर डाल दूंगा, ये देखिए। और अभी मैं इसका पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, एडाप्टर को साइड में रख लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इसका मैं ऑडियो देने के लिए, ये देखिए, जब भी मैं इसका पावर ऑन किया हूँ तो इस यहाँ पर लाइट आ चुका है, रेड लाइट आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो इसको ऑन करने के लिए इसका पावर बटन दबाना पड़ता है। तो पावर बटन को मैंने दबाया और ये देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जल रहा है। तो ये फंक्शन में लेकर मैं, ये देखिए, ब्लूटूथ पर लगाऊंगा। तो जो लोग सोनी होम थिएटर यूज करते हैं तो उन लोगों को ये सब बात पता होता है। अभी मैं इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट कर लूंगा और आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पूरा इसका म्यूजिक टेस्ट करके आपको दिखाया है। ये जो स्पीकर है इसका पंचिंग भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ये सोनी होम थिएटर का मैंने पूरा वायरिंग करके आपको समझाया। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक के वजह से हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन है वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हमेशा कोशिश करता हूँ मैं आपको कुछ नए सिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये भी एक शिक्षा के पाठ था जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।